रीवा जिले में इन दिनों बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। बढ़ती आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला बीती देर रात देखने को मिला। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना देखकर दुकानदार ने बीच बचाव करने का प्रयास किया तो बदमाशों ने उस पर ही धावा बोल दिया। बदमाशों ने उसके साथ भी जमकर पिटाई की और कनपट्टी में पिस्टल तान दी और उस पर बाइक चढ़ाकर उसे कुचलने का भी प्रयास किया। बदमाशों ने दुकानदार की सोने की चेन और कान की बाली लूट ली और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। पूरा घटनाक्रम पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामले पर एसपी विवेक सैन ने कहा कि मारपीट की एक घटना सामने आई है। दुकानदार के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट की है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है। पीड़ित की शिकायत पर घटना की जाँच की जा रही है। दोषियों को जल्द पकड़कर उचित कार्रवाई की जाएगी। घटना मेरी दुकान के सामने दो लोगों की बहस हो रही थी, तो मैंने जाके उनको अलग कराया। तो उसके बाद मेरे से मारपीट की है, मेरी चैन और मेरे कान का बाली सब लूट के ले गए हैं। मेरे को गन ताने थे। विवाद दो लोगों की हो रही थी मेरी दुकान के सामने, बाइक लेके निकले हैं तो कट वट जो भी लगा हो। तो एक बच्चे को मेरी दुकान के सामने ही बहुत गंदे तरीके से मार रहा था। मैंने मना किया उसको कि भाई यहाँ जो फालतू लड़ाई झगड़ा ना करो कॉलोनी में। तो उसके बाद फिर मुझसे लड़ाई विवाद करने लगा। ये कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ढेका के पास का एक जगह है, वहाँ पे एक व्यक्ति के साथ पहले दो लोग आके उसके साथ मारपीट किए और फिर दो अन्य लोग मोटरसाइकिल से आए उसके साथ मारपीट किया, जो पूरा वीडियो अवेलेबल था जो कि वायरल भी होता। और इसमें जो फरियादी आया था थाने पे, तो उसमें हमने चार लोगों के खिलाफ इसमें हमने कायमी किया है। विभिन्न धाराओं में 327 मारपीट और अन्य धाराओं में इसमें कायमी किया है। इसके अलावा एक अन्य फरियादी भी आया था जिसके साथ भी इन्हीं लोगों ने मारपीट किया है, जिसमें हमने SC ST और धाराओं में उसमें कायमी की है। और इन अपराधियों की पतारसी की जा रही है और इनको गिरफ्तार करने प्रयास किया जा रहा है, और जो भी पाया जाएगा उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। इसमें एक ये भी दिख रहा है कि एक कट्टे के उसे बट से भी या उसे मारा गया है, और जो बहुत चांस है कि वो अवैध कट्टा है, अवैध अस्त्र है, और उसके आधार पर भी इसमें पतारसी की जा रही है। और जो जिसके पास भी पाया जाएगा, जिसको जो भी सोच